एक सेकंड धरना हम की तरफ से इसमें कुछ लोग एसपी हैं हमने ऑर्गेनाइज किया है जिसे एसोसिएशन ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर किसी कलर के तहत नहीं ये एक आम शहरी होने के हैसियत से हमने बाकी शहरियों को भी दावत दी थी कि एक सिट इन धरना होगा सिर्फ इंसाफ के लिए कि आसिफा को इंसाफ मिले कल बदकिस्मती से जो कठुआ में हुआ जो हमारे ही प्रोफेशन के लोग हैं एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एपिसोड वहाँ उसका जिससे लगा कि ये जो जुडिशल प्रोसेस है उसको सबटाज पिच की जा रही है तो हम इंतज़ामिया से और जुडिशरी से मतबाराना अपील कर रहे हैं कि हम कोई ये नहीं चाहते कि उसको शिफ्ट किया जाए उसको ट्रायल को कहीं और कहीं ट्रांसफ़र किया जाए लेकिन हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे नज़र रखे कि ट्रायल जो है केस जो है सही तरीके से चले और इंसाफ मिले आसफा के जो सही मानों में मुजरिम हैं जो भी हैं अभी हम नहीं कह सकते हैं कि जो अरेस्ट हुए हैं वो मुजरिम हैं या नहीं है वो तो कोर्ट ट्रायल के बाद ही पता चलेगा लेकिन जो भी है क्योंकि कोई ना कोई तो है उसको सज़ा मिले क्योंकि इससे हमारी बेटी महफूज नहीं है अगर आज इस केस में सज़ा ना मिला तो हमारी बेटी महफूज नहीं है यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में बस ये हमारा है और हमने इस सिलसिले में एक बहुत ही छोटा मेमोरेंडम जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर को दिया जिसमें हमने ये कहा कि अगर ये एक्ट जो कल कठुआ में वकला हजरत ने किया अगर ये वारंट करता है कोई लीगल प्रोसीडिंग्स या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ किया जाए और अगर सीजीएम साहब ने एक जुडिशल ऑफिसर होने के नाते उसको चार्जशीट एक्सेप्ट करना था उसने बहुत देर तक न किया जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि 5 घंटे तक उसने न किया उस पर भी एज ए चीफ जस्टिस जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं यहाँ जुडिशरी के हेड हैं वो उस पर कुछ एक्शन ले ये हमने मेमोरेंडम पेश किया है अपने चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर को बहुत ही मोतबराना अपील उनको भी कि इस पे वो कोई एक्शन ले सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अनदर अपडेट